వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. Bye.
हमारे थानाध्यक्ष महोदय या थाने के कर्मचारीगण कोई न कोई प्रतिदिन यहाँ आता रहा है और अपनी परंपरा का निर्वहन करता रहा है। हम लोग भी माँ क्षेत्रवासी हमेशा आपके कानूनी व्यवस्था में सहयोग करते आए हैं और सहयोग करते रहेंगे। माननीय थानाध्यक्ष महोदय का मैं रामलीला कमेटी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम लोगों को अपना अमूल्य समय दिया। मैं थानाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा कि इस अवसर पर आशीर्वचन के रूप में ग्रामवासियों रामलीला कमेटी के पात्रों को अपना आशीर्वचन देने का काम करें। माननीय थानाध्यक्ष महोदय धन्यवाद। प्रमुख जी, सम्मानित सभी ग्रामवासी, आदरणीय पूर्व प्रमुख जी व हमें जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं पड़े हैं तथा मेरे साथ जो नवयुवक हैं, सभी का मैं हृदय से सादर यथेष्ट अभिनंदन करता हूँ। आज इस पावन अवसर पर आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए आपको साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे थाना क्षेत्र के एक बहुत ही पौराणिक और अति विशिष्ट गांव उधमपुर के ग्रामवासी हैं। आपको उधमपुर का ग्रामवासी होने का गौरव है और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हर वर्षों की भांति जो आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में हमारे स्तर से जितना भी सहयोग होगा वो आपको मुहैया होगा। साथ ही आप लोगों से एक मेरी सरबत विनती है कि आप ये जो प्राचीन रामलीला संचालित कर रहे हैं, इसके संबंध में आप अपनी परंपरा को बनाए रखें और उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आप इसी तरह चलते रहें, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे अग्रणी समाज के पुरोधा हैं। मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, देखिए मैं आपके साथ हर कदम से कदम मिला के चलूँगा।
आपके सुख में रहूंगा, आपके दुख में रहूंगा। लेकिन मित्रों एक अनुरोध है आपसे, कानून एक मद्यपान या नशे इत्यादि की अवस्था में आकर किसी तरह कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो फिर उस पर कानून काम करेगा, और फिर मैं क्षमा चाहूंगा कि उस संदर्भ में आपकी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, जो सही होगा वही होगा। तो मित्रों मेरी यही शुभकामना है कि आप आनंद लीजिए और आनंद दीजिए, हमें ऐसा कोई अवसर मत दीजिए कि मैं आपको दो शब्द। मैं रामलीला कमेटी के वरिष्ठ पाल पूर्व प्रधान जितेंद्र राय से अनुरोध करूंगा माननीय थाना अध्यक्ष महोदय को श्री राम चरित मानस की एक प्रति भेज कर सम्मानित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय थाना अध्यक्ष महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया, आप रामलीला का आनंद लीजिए, प्रभु श्री राम के गुणगान का जो भी दिखते उसका आनंद लीजिए। थाना महोदय ने आश्वस्त किया, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें शांति और सौहार्द के मार्ग पर चलने का आशीर्वचन कि हर बात को भूल करके इस रामलीला मैदान पर आप लोग आइए और रामलीला का आनंद लीजिए। आप लोगों को अपने पात्रों के तरफ से मैं हाथ हृदय से प्रणाम करते हुए कहूँगा कि आप लोग जितना ही अधिक संख्या में उपस्थित होंगे इस रामलीला का रूप उतना ही बढ़िया बनता चला जाएगा। आज पहला दिन था, थोड़ा कार्यक्रम में लेट जरूर हुआ, आप लोग अंत तक बैठिए और शांति प्रिय ढंग से बैठिए और रामलीला का आनंद लीजिए। हर साल रात आप जानते हैं पहले प्रार्थना का कार्यक्रम हो जाए, इसके बाद हेलो
बोलो Oh,
रहे हो महात्मा? मैं कुशध्वज ऋषि की अनाथ बालिका हूँ। तो इस प्रमाण पत्र देकर क्या तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ? हो चुकी है सदा से। पापी रावण, तू मुझे सत्य मार्ग से डिगाना चाहता है। मैं तुम्हारी सोने की लंका पर तू करती हूँ। मिले जो राज दुनिया का, मिले जो राज दुनिया का, वचन परवार दूंगी मैं तेरे सोने की कलंका, परण परवार दूंगी मैं। मुझे होश है, मेरी आंखें खुली है और मुझे पता है मेरे सामने नीच पापी लंकेश खड़ा है। जिसे अबला समझते हो, जिसे अबला समझते हो, वही बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी यह ज्वाला धकती है। हमने कपड़ा काम करे कुछ सीन देते हैं जरा तो काम करे तो हमारा लाइफ की वजह से हमारे काम करो नीच
तेरे छू देने से अब मेरे और उस देव की भेंट नहीं हो सकती, इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे, बना है सामने मेरे जो तू विकराल की सूरत, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की मूरत। तू तो साइड में है तो लाइट जलो ले रहते हैं ना, तो हम ओके अपना लग गया दे रहते अब हम लोग लौकी खोदो ना। चलते चलते अचानक विमान क्यों रुक गया? वाह किसका साहस जो मेरे पत्थर से पीला पीला आई सदा पिया ले नहीं खेता कभी।
के लिए कह दिया है। अरे आज तक ओ, कब
भी अभिमान था पर लोक का, मैं को सुधारी हूँ मगर अब द्वार पर रावण के छोटा सा भिखारी हूँ, जिसे संसार सुख और संपदा का नाथ कहता है वही अब कौड़ी कौड़ी के लिए मुहताज रहता है।
धन का कार है रहने जिसे संसार में। अब सिवा किसी की रट लगाना छोड़ दो और के आगे जगत में सिर झुकाना छोड़ दो। हम भगवान को छोड़कर किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। झुकाना पड़ेगा या महाराज लंकेश का आदेश है। लाओ लाओ मुझे राज कर दो। राज कर? अरे भगवान हमारे पास क्या है जो तुम्हें राज करने चुका है। जाओ हम लोग तो जाने जाने के लिए मोहताज हैं। लाओ लाओ अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना रक्त ही लाओ। क्या राजकर में रक्त भी लिया जाता है? सैनिकों क्या हो प्रत्येक के बाहों में काटा चुभाओ। हेलो मर्याद रखना यही रात आगे चलकर विकराल रूप धारण करेगा और तुम सबका काल का कारण बनेगा। यही रक्त चल करके भयंकर रूप धारण करेगा और तुम सबको मारेगा। रूप करेगा जून बिल्कुल जून मुझे लेकर नहीं ले जाओ और इस वक्त को मिथिलापुर के सिलाब करो। जो आज्ञा पिताजी। मेला कमेटी के जितने भी पात्र या इसमें लगे व्यवस्थापक महोदय से अनुरोध है कि आप लोग स्टेज के पीछे आने का कष्ट करें। कोई इधर उधर न रहे भाई तुरंत आप लोग स्टेज के पीछे पहुंचे। गुड़िया हम खाती भर
गाल तोहारी कतन बनमून हमरा के राग तुला जान पै पुछून हाय गोरे गोरी गाल तोहार कतन हमारा गिरानी पूरा देखी बड़ा सुंदर सेवार रामा कर रहा है भैया चार के तरफ से बहुत लोग आशीर्वाद जाए हाथ मारो पड़ा पाप ये सुनिश्चित बात जवार जहाँ रिया रिवर एक रिवर हम बड़े बढ़ोतरी होते हैं हम भैया के सिपाह जरूर पर बने रहे कि हम सब खिलत रही कहे के बात बस जी तो यही चाहता यही कुछ दिन है
तुम्हारी भजन कर लिया जाए, बहुत ही अच्छा रहेगा। नारायण नारायण।